everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to another First Cry Haul. So, कुछ दिन में हम लोग जाने वाले हैं एक फैमिली वेकेशन पे टू गोवा. सो मैं आप लोगों के साथ गोवा के व्लॉग्स भी शेयर करने वाली हूँ एंड इस बार मैंने कुछ डिफरेंट प्लान किया है गोवा के लिए. सो डू कीप कनेक्टेड एंड मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखेगा. सो गोवा के लिए मैंने आगव के लिए काफ़ी सारे कपड़े परचेज किए हैं. एक्चुअली उसका साइज़ भी चेंज हो गया है एंड अभी वो विंटर वेयर पहन रहा था तो मैंने उसके समर वेयर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें परचेज करी हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ विद प्राइजेस. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. बट वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड जॉइन इन. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है. इसमें मैं फर्स्ट क्राई या कोई भी ब्रांड का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ. मैं ये सब चीज़ें इसलिए खरीदती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए चीज़ें पसंद हैं एंड इनकी क्वालिटी और कॉस्ट दोनों अच्छी होती है. मेरे लिए अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि अच्छी डील्स होती हैं फर्स्ट क्राई पे, इसलिए सिंपली मैं फर्स्ट क्राई का हॉल कर रही हूँ. नाउ ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक सेट. दिस इज अ शॉर्ट सेट. ये ब्लू कलर की शॉर्ट्स है, इसकी साइड पे ये येलो वाइट एंड ब्लू कलर की स्ट्राइप्स हैं एंड इसके साथ एक ये टी शर्ट है. ये भी बहुत ही कूल टी शर्ट है एंड मुझे लगता है कि ये समर्स में बहुत अच्छी लगने वाली हैं, ये कलर्स बहुत अच्छे लगने वाले हैं. तो ये टी शर्ट एंड इसके साथ ये शॉर्ट्स, ये सारे कपड़ों की मैं पिक्चर्स क्लिक करके ना आगव जब पहनेगा तो मैं अपने इंस्टा हैंडल पे और आगव के इंस्टा हैंडल पे भी डालूंगी, तो आप इसको देखना ना भूलिएगा. तो इसकी एमआरपी है 599. मैं नीचे सबके प्राइजेस लिख दूंगी जो भी डिस्काउंटेड प्राइजेस मुझे मिले थे. सो एज आपको पता रहे कि मुझे कितने प्राइस पे कितने कॉस्ट पे ये चीज़ें मिली थी. इसके साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये टी शर्ट्स. ये तीन टी शर्ट्स का सेट है फ्रॉम बेबी ओए एंड ये बहुत ही क्यूट सा एलिगेटर प्रिंट है इन तीनों के ऊपर. दिस इज़ येलो, देन उसके बाद एक ये वाइट टी शर्ट है, इस पर भी एलिगेटर का ही प्रिंट है एंड देन उसके बाद एक ये सी ग्रीन सी टी शर्ट है, इस पर भी छोटे छोटे बेबी एलिगेटर्स बने हैं. ये बहुत ही क्यूट है एंड ये जो कलर्स हैं ना वो समर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है इन टी शर्ट्स की एंड बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं बच्चों के लिए. कि एमआरपी है 888888 बट आई विल राइट डाउन बिलो कि इसकी डिस्काउंटेड प्राइस मुझे क्या मिली थी. उसके बाद दिस इज़ अनदर टी शर्ट, ये भी बहुत क्यूट टी शर्ट लगी. इसके कलर जो भी इसका कलर कॉम्बिनेशन हैं वाइट ब्लू येलो सी ग्रीन, ये समर्स में ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो दिस टी शर्ट इज़ फ्रॉम बेबी हग एंड इसका प्राइस है 399. इसको भी देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है और इस पर जो छोटे छोटे एनिमल प्रिंट्स होते हैं ना जिन टी शर्ट्स पे, वो तो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये अगेन एक वाइट टी शर्ट है जिसके ऊपर रैंडम प्रिंट है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट. इसको आप किसी भी ब्लैक शॉर्ट्स के साथ या किसी के साथ भी ड्रेसअप कर सकते हैं. इसकी कॉस्ट है 260. नेक्स्ट इज़ दिस टी शर्ट, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगी. बनी का प्रिंट है और यहाँ पे कैरेट्स हैं, तो ये भी सी ग्रीन कलर है. ये बहुत सुंदर कलर है, बहुत कंफर्टेबल है. दिस इज़ अगेन फ्रॉम बेबी हग और इसका प्राइस है एमआरपी है 329. ये सारी टी शर्ट्स की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है. सारी मैंने कॉटन बेस्ड टी शर्ट मंगाई है क्योंकि गर्मियों में बच्चों के लिए सॉफ्ट मटेरियल जो कॉटन होता है वो सबसे अच्छा होता है. कॉटन एक तो ब्रीदेबल होती है, हम सबको पता है, और सॉफ्ट रहती है बच्चे के लिए. अगर बच्चे को स्वेटिंग या कुछ होती है तो भी काफ़ी अच्छी रहती है, बच्चे को कोई रैशेस वगैरह नहीं होते हैं. तो नेक्स्ट ये टी शर्ट है, इसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे कलर्स हैं. ये थोड़ा डार्क में है, मतलब अभी तक के आपने देखे वो सब लाइट थे पर ये थोड़े डार्क में है. कभी कभी ऐसे कलर्स भी पहनाना बच्चे को अच्छा लगता है और ये जो कलर्स हैं ना ये सब आगव के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये मल्टी कलर टी शर्ट खरीदी है जिसको आप किसी भी शॉर्ट्स के साथ पेयरअप कर सकते हो. इसका एमआरपी है 399 बट ये जो टी शर्ट्स हैं मुझे सब डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिले थे, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स थे. मैं सबके प्राइसेस नीचे लिख दूंगी. नेक्स्ट इज़ दिस वेरी क्यूट टी शर्ट, इसके ऊपर ये लायन का फेस बना हुआ है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था ये. इनफैक्ट आयुष को भी ये सारे प्रिंट्स काफ़ी अच्छे लगे, सारी टी शर्ट्स वगैरह. एंड जितनी टी शर्ट्स हों बच्चों की उतनी कम होती है क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं, खेलते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ गिरा लेते हैं, कपड़े गंदे करते हैं,
तो बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं बच्चों के लिए. तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत गुड क्वालिटी की टी शर्ट है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है. अगेन दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग और इसका MRP है 349. इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इस टी शर्ट पे. ये टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये काफ़ी प्यारा सा पिंक कलर है. दो लड़कों के लिए हम जल्दी जल्दी ऐसे कलर्स नहीं खरीदते, बट मुझे लगता है ऐसा बेबी पिंक कलर लड़कों पे भी काफ़ी अच्छा लगता है. तो ये बहुत सुंदर है. इसके ऊपर ना थोड़ा बीच टाइप्स प्रिंट है, एंकर है, ट्री है, शिप है, अम्ब्रेलाज हैं, तो ये बीची वाइब दे रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए परचेज़ किया. ये बहुत सुंदर है कपड़ा. अगेन इसका काफ़ी पतली वाली ना अच्छी वाली कॉटन है. इसकी MRP है 329. मैंने एक ये शॉर्ट्स खरीदी है. ये ब्लू शॉर्ट्स काफ़ी सारे टी शर्ट्स वगैरह के साथ चल जाती है, किसी के भी साथ आप पेयर अप कर सकते हो. तो ऐसे सॉलिड कलर्स की अगर आप शॉर्ट्स खरीदो अपने बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी रहती है. आप किसी भी टी शर्ट के साथ रैंडमली पहना सकते हो और नया नया कपड़ा रेडी हो जाता है, नए सेट्स बन जाते हैं. काफ़ी अच्छी है, ब्लू कलर की है. इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंट भी बना हुआ है. तो इस शॉर्ट्स का प्राइस MRP है 699, बट अगेन मुझे इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला. बच्चों के लिए छोटी सी स्विमिंग शॉर्ट्स है ये आगव के लिए, क्योंकि गोवा में जाने वाले हैं तो हम बीच में पानी में भी जाएंगे एंड जो हमारा रिजॉर्ट है उसमें भी पूल होगा एंड पूल में जाना आगव को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो इसलिए ये शॉर्ट्स, स्विमिंग शॉर्ट्स उसके लिए परचेस करी. जो अभी तक उसके पास थी वो शायद उसको छोटी हो गई है. तो इस पर काफ़ी अच्छा क्यूट सा प्रिंट है, ब्राइट कलर्स हैं, बहुत क्यूट लगी मुझे ये शॉर्ट्स. इसका MRP है 275. बच्चे को जब भी आप पूल में जाओ तो पूल फ्रेंडली मटेरियल ही पहनाना पड़ता है, जो स्विमिंग शॉर्ट्स या स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वही पहनाना पड़ता है, और प्लस जो भी हमारे स्विमिंग डायपर्स होते हैं तो दोनों चीज़ें पहना के बच्चे को भेजना चाहिए. जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम का मटेरियल होता है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी शॉर्ट्स. नेक्स्ट मेरे पास ये दो टी शर्ट्स का सेट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है. ग्रे कलर की टी शर्ट है जिसके ऊपर व्हीकल्स बने हैं, कार, ट्रक, अलग अलग ट्रेन इंजन एंड पुलिस कार एंड ऑल. तो काफ़ी अच्छे अच्छे यू नो व्हीकल्स बने हैं जो बच्चा सीख भी सकता है एंड बहुत क्यूट लगी मुझे ये टी शर्ट. ग्रे कलर तो सभी बच्चों पे अच्छा लगता है. का प्राइस इस पे नहीं है तो मैं इसको चेक करके नीचे डाल दूँगी. इसी के साथ एक मैंने ये वाइट टी शर्ट खरीदी थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी. एनिमल प्रिंट है इसके ऊपर भी, इसमें ये सारे जंगल के एनिमल्स हैं, ज़ीब्रा, हिप्पो एंड पीछे एक एलिफेंट बना है. तो बहुत अच्छी है. वाइट टी शर्ट्स तो बहुत अच्छी लगती है, समर्स में बहुत ही कूल सी लगती है. इसका भी MRP नहीं लगा है. आई चेक द प्राइस एंड लेट यू नो. उसके बाद मैंने एक और सेट परचेज किया था. ये ग्रीन, नियॉन ग्रीन सा कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे ये वाली. ये एक शॉर्ट्स है, सॉलिड कलर है, प्लेन कलर एंड इसके साथ ये इसके ऊपर शार्क्स बनी है छोटी छोटी. ये वाइट टी शर्ट है तो ये पूरा सेट है एक, बहुत ही सुंदर लग रहा है. पूरी समर की वाइब्स दे रहा है ये. इसका MRP है 599 एंड दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग. इसके बाद एक मैंने सेट खरीदा था थोड़ी फुल स्लीव्स, ताकि इन केस थोड़ी ठंड हो जाए, जैसे शाम में या रात में थोड़ी ठंड हो जाती है तो कुछ फुल स्लीव्स का भी बच्चे के पास होना चाहिए. तो एक ये मैंने ख़रीदा है. ये पूरा पजामा है, लाइट जो वाइट और ग्रेइश वाइट सा होता है ना वैसा कलर है, जिसके ऊपर रेड एंड ब्लू नीचे की तरफ ऐसे डायगनल स्ट्राइप्स बनी है. बहुत सुंदर है ये भी एंड इसके साथ मैचिंग ये टी शर्ट है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट है. थोड़ी मोटी है ये तो मतलब ठंड अगर बच्चे को लगे तो अच्छे से ये पहनाया जा सकता है. दिस इज़ अगेन फ्रॉम बेबी हग. आई डोंट नो, मुझे बेबी हग के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं. एंड इसकी MRP है 899. आई पुट इन द डिस्काउंटेड प्राइस बिलो. एंड इसका साइज भी मैंने थोड़ा बड़ा मंगवाया था, तो अभी अगर उसने ज़्यादा नहीं पहना तो मे बी नेक्स्ट ईयर जब विंटर स्टार्ट होंगी तो स्टार्टिंग में भी पहना जा सकता है. उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये शॉर्ट्स मंगवाई हैं. इनके साथ जो मैंने पहले टी शर्ट्स दिखाई उनको मैं मिक्स एंड मैच करके पहनाऊँगी. तो ये येलो कलर की शॉर्ट्स हैं, बहुत ही कूल है, बहुत ही अच्छा सा येलो कलर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये. एंड ये पैक ऑफ टू शॉर्ट्स था, तो इसके साथ एक ये सी ब्लू कलर की शॉर्ट्स है. तो इसमें ब्लू, सी ब्लू के अंदर येलो से प्रिंटेड है एंड ये येलो के ऊपर सी ब्लू से प्रिंटेड है.
ये दोनों शॉर्ट्स का जो कलर है काफ़ी अच्छा है, बहुत कूल है, बहुत ब्राइट है एंड समर्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इनके साथ आप वाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन कोई भी टी शर्ट्स मिक्स एंड मैच करके पहना सकते हो। तो ये दोनों जो शॉर्ट्स हैं दीज आर फ्रॉम हनी हैप एंड इनका MRP है 499। लास्ट शॉर्ट्स जो मैंने परचेज करी हैं ये अगेन एक सी ब्लू कलर है, उस ब्लू से थोड़ा डिफरेंट है एंड इसके ऊपर पाइन एप्पल्स बने हैं। मुझे ये प्रिंट बहुत क्यूट लगा एंड ये ना थोड़ी पतली वाली कॉटन है ताकि अगर बाय चांस बच्चे को भी बहुत गर्मी लगे या समथिंग तो आप ये पहना सकते हैं। बच्चा फ्रीली घूमता है इधर उधर, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है इसके अंदर, तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है मुझे देखने में। अगेन दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग एंड इसका प्राइस है 249। तो ये थे सारे कपड़े। अब मैंने उसके लिए दो फुटवेयर खरीदे हैं, जैसे एक तो मैंने ये सैंडल्स खरीदे हैं क्योंकि गर्मी हो जाएगी तो उसके पैर का साइज़ भी चेंज हो गया, तो मैंने ये सैंडल्स परचेज करे हैं। ब्लू कलर के हैं, नीचे इनका सोल ब्राउन कलर का है और ऊपर ब्लू कलर के स्ट्रैप्स हैं। ये मुझे काफ़ी कूल लगे, बहुत बढ़िया लगे एंड मुझे लगा कि कंफर्टेबल रहेंगे, गर्मी में शूज़ नहीं पहने जाते बच्चों से। इनका प्राइस है 1199। दिस इज़ फ्रॉम बेबी ओए। आगव को भी काफ़ी अच्छे लगे, जब ये आए थे तो मैंने आगव को एक बार साइज़ चेक करने के लिए ट्राई कराया था तो वो तो इनको उतारना ही नहीं चाह रहा था। तो दिस इज़ अ वेरी गुड शू, मेरे को बहुत अच्छे लगे ये सैंडल्स। एंड देन नेक्स्ट इज़ ये मैंने क्रॉक्स टाइप्स खरीदे हैं उसके लिए। ये वाले जो होते हैं क्रॉक्स टाइप्स होते हैं ना, इनको आप पानी में भी पहन सकते हो, बीच पे पहनने के लिए बहुत बढ़िया होता है, गीले नहीं होते हैं तो अगर पानी में भी बच्चे ने पैर डाला तो फटाफट से सूख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चप्पल गीली नहीं होती बच्चे की तो। बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, पीछे से ऐसे लॉक भी हो जाती है तो ईजी रहता है बच्चे के लिए भागना दौड़ना, चप्पल पैर से निकलती नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट सा येलो कलर है, आई थिंक उसकी ये जो बाकी शॉर्ट्स है ना उनके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है, जब मैं पेयर अप करूँगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बट मुझे ये लग रहा है ना कि ये वाला जो साइज़ है थोड़ा बड़ा है आगव के लिए, मैं एक बार उसके साथ ट्राई करूँगी, मैंने ये साइज़ चेक नहीं किया है, अगर बड़ा हुआ तो आई एक्सचेंज इसी का ये छोटा मंगवाऊँगी। इनका कलर भी अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसका प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी बिकॉज इसका टैग नहीं है यहाँ पे। ऑल राइट फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इट। ये था मेरा इस बार का फर्स्ट क्राई हॉल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।